आपके सामने एक अमृत पीने वाला महापुरुष का चित्र प्रस्तुत कर रहा हूँ और आप इनको जानते हैं। ये हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे और इसीलिए इनका मैं दर्शन किया था। और दर्शन इस मामले में हुआ था कि मैं किस लिए इनसे मिला। मैं जा रहा था दिल्ली की सड़कों पर तो इनके निवास स्थान में लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी। सुबह का समय था, मैं जहाँ भी जाता हूँ शारीरिक क्षमता बनाने के लिए और तंदुरुस्ती के लिए जॉगिंग करता हूँ, और उसी जॉगिंग के सामने देखा कि बहुत टोपी वाले नेता लोग अंदर जा रहे हैं, तो मैं भी चला गया। मैं भी सेक्रेटरी को बोला मैं वाजपेयी जी से मिलना चाहता हूँ, मैं ट्रैक सूट में था। सेक्रेटरी बोला ट्रैक सूट में क्या करेंगे आप, अब क्या करने आए हैं, आपका नाम क्या है, परिचय पत्र दीजिए। मैंने दिया और बहुत देर के बाद जब मैं देखा कि हमें बुलाया नहीं जा रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं, तो मैं सेक्रेटरी से बोला कि मैं तो एक कर्मचारी हूँ और मेरे पास समय की बहुत कमी है। मैं जा रहा था, रास्ते में अटल बिहारी वाजपेयी जी का निवास स्थान मिल गया तो मैं सोचा मिल लेता हूँ, लेकिन अगर वो बहुत व्यस्त हैं तो मेरी सारी शुभकामनाएँ बोल देना, ये परिचय पत्र आपके सामने है। 2 घंटे बैठा था मैं, 7 बज चुके थे, 5 बजे मैं वहाँ गया था, तो सेक्रेटरी ने मुझे पकड़ लिया और हाथ से घीचते हुए उनके सभा कक्ष में ले गया। तो वाजपेयी जी सभा को थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दिए और मुझसे पूछे कि आप कौन हैं, क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपका परिचय पत्र देखा था, आप एक डॉक्टर हैं, क्या आपको प्रमोशन चाहिए, नौकरी चाहिए, किस इच्छा के लिए आप मेरे पास आए हैं, मैं तो बहुत व्यस्त व्यक्ति हूँ। मैं कहा हे महान वाजपेयी, मेरी इच्छा है देश महान हो, भारत समृद्धशाली राष्ट्र बने, इसके लिए आवश्यक है कि महापुरुष प्रधानमंत्री बने, जिसमें अपने लिए जीवन में कुछ नहीं चाहिए, जीता है तो देश के लिए, मरता है तो देश के लिए, जिसमें प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल पाल, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, जो देश की गौरव गरिमा के लिए सब कुर्बानी देने को तैयार हैं। मैं आप में उस छवि को देखता हूँ, सरदार पटेल को मैं देखता हूँ, कि देश को समृद्ध करने के लिए अपने जीवन को सर किया है। वो खुश हो गया, हमें गले से लगाए और मैं भी खुश हो गया कि महापुरुष का दर्शन हो गया। मैं बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा नाम है फकीर योगी वीरेंद्र योगी, मैं बुद्धवादी हूँ, मैं जीवन में सब कुछ देना चाहता हूँ, अपने जीवन के एक एक क्षण, अपने शरीर के खून का एक एक कतरा देश को समर्पित है, और आप भी उसी पदचिन्हों पर चल रहे इन महापुरुषों के, तो हम सब सहयोगी हैं। प्यारे दोस्तों, आज इनकी एक महान कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, और आज वाजपेयी जी की कविता काफ़ी प्रसिद्ध है, सुनिए क्या बोल रहे हैं। मैं शंकर का वह क्रोधा न कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआं धार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन नगर में हिंदू मेरा। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर संभरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ, जिसको पल भर में ही छूकर, ऐसे व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन नगर। मैं अखिल विश्व का गुरु महान देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सठ का शहर,
मेरा स्वर नभ में खैर खैर सागर के जल में छहर छहर इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ मैं हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश जगती का रच करके विनाश कब चाहा है निज का विकास शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है इतिहास समर यदि आज देहली के खंडहर सदियों की निद्रा से जग कर गुंजार उठे उनके स्वर से हिंदू की जय तो क्या विस्मय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नरने खाई ठोकर दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नरने खाई ठोकर दो आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर मैं आया तभी द्रवित होकर मैं आया ज्ञान दीप लेकर फूला फटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जगकर पथ के आवर्तों से थककर जो बैठ गया आधे पथ पर उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के सुदित लाल मैंने छाती का लहू पिला पाले विदेश के क्षुदित लाल मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्थल वर विशाल जग से ठुकराए लोगों को लो मेरे घर का खुला द्वार अपना सब कुछ हूँ लुटा चुका फिर भी अक्षय है धनागार मेरा हीरा पाकर ज्योतित परकियों का वह राज मुकुट यदि इन चरणों पर झुक जाए कल वह किरीट तो क्या विस्मय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल कर जल कर हो गई अमर वह बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समायो बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूँ यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय हिंदू तन मन हिंदू जीवन को गुलाम होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जब को गुलाम मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू अंत में मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु है यह मेरा हिंदू समाज मेरा इसका संबंध अमर में व्यक्ति और यह है समाज इससे मैंने पाया तन मन इससे मैंने पाया जीवन मेरा तो बस कर्तव्य ही कर दूं सब कुछ इसके अर्पण मैं तो समाज की थाती हूँ मैं तो समाज का हूँ सेवक मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा अरे दोस्तों तो अभी आप अटल बिहारी वाजपेयी की देशभक्ति सुन रहे थे और इतने महान पुरुष हमें हमेशा प्रेरणा देंगे तो मैं अपने देशवासियों से यही निवेदन करता हूं कि हम एकजुट हो जाएं हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं किसी धर्म के हो किसी जाति के हो किसी के मजहब को किसी क्षेत्र के हो वो सभी हिंदू हैं क्योंकि हिंदू का मतलब एक जीने की कला है एक जीने की कौशल है जिसको इस कविता में कवि विराट सम्राट अटल जी ने हमें दिखाया है आपका जय हो कल्याण हो वंदे मातरम भारत माता की जय